अस्सलाम वालेकुम भाई, जल्दी जल्दी पूछिए जी भाजी। मेरा ये सवाल था, अब रमजान आ रहा है तो रमजान में हम 5 डेज का हम पानी ना के रोजा रह सकते हैं। मेरी बेटी है, वो पूछते कि मम्मी हम क्यों नहीं, तो शादीशुदा लोगों के लिए है या अनमैरिड बच्चियों के लिए भी है? समझी ने, 5 दिन का पानी नहाना, यानी पढ़ के जो नहाते ना तो पीरियड्स हो जाते हैं, तो 5 डेज में पानी नहा के अपन रोजा रह सकते बोलते ना? नहीं, पीरियड्स के दिन सबके डिफरेंट डिफरेंट हो गए। किसी को पीरियड एक ही दिन होता, किसी को 3 दिन होते, किसी को 5 दिन होते, किसी को 7 दिन होते, किसी को 10 दिन होते, किसी को 14 दिन भी होते। आपका अपना जो सिस्टम है आप उसी को फॉलो करेंगे। 5 डेज हो गए, स्टिल आई एम ब्लीडिंग, मैं पीरियड्स खत्म कंसिडर नहीं कर सकती। आपको कॉटन से चेक करना है, टिल यू गेट व्हाइट, द कॉटन गेट्स व्हाइट, यू आर नॉट आउट ऑफ पीरियड्स एंड यू कैन नॉट प्रे एंड यू कैन नॉट जो है रोजा नहीं रह सकते आप। ठीक है, 5 दिन में पानी नहा के नहीं रह सकते। अपनी मर्जी से दिन बनाना नहीं है। तोहर का कंडीशन या तोहर की साइन ये है, तोहर यानी हाउ यू गेट क्लीन, उसकी साइन ये है कि आप कॉटन से थोड़ा प्राइवेट पार्ट चेक करें, अगर इफ इट गेट्स व्हाइट तो आप क्लीन है, इफ इट स्टिल पिंक और रेड यू आर नॉट क्लीन।